हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करता है ना, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर हमको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखना बहुत सिंपल होता है। एक ही कैच है स्टार्टिंग में कि आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि हम जो कोड लिखने जा रहे हैं ना, वो हम किस उस कोड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, वो रियल वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो आज का क्या प्रॉब्लम है ना कि लीफ सिमिलर ट्री। ठीक है, नाम तो कुछ पेचीदा है, बट कहना करना क्या है वो समझते हैं। तो कंसिडर्ड ऑल द लीफ ऑफ ए बाइनरी ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ दोज लीफ फॉर्म अ लीफ वैल्यू सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन ट्री अबव द लीफ वैल्यू सीक्वेंस इज 67498। टू बाइनरी ट्री आर कंसिडर्ड लीफ सिमिलर इफ देयर लीफ वैल्यू सीक्वेंस इज द सेम। ये सीक्वेंस की बात कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ द टू गिवन ट्री विथ हेड नोड्स रूट वन एंड रूट टू आर लीफ सिमिलर। मतलब हमको करना क्या है ना कि हमको दो बाइनरी ट्री का रूट नोड का एक्सेस गिवन है इस फंक्शन को। हमको ये चेक करना है क्या कि इस दोनों बाइनरी ट्री का जो भी लीफ नोड है क्या वो सिमिलर ऑर्डर में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न करो फॉल्स, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है बूलियन। ठीक है जी, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं सर, अब क्या कर लो ना, अब वेक्टर बना लो दो। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर और वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर वन। ठीक है, आपको इसका कुछ मीनिंगफुल सा भी नाम देना है ना, तब वो भी दे लो। ठीक है, अब आप फंक्शन कॉल करो सॉल्व नाम का दो बार। ठीक है जी, सॉल्व इसमें हम पास करेंगे रूट वन हमारे पहले ट्री का रूट, और दूसरे वाले में क्या पास करेंगे हमारे दूसरे ट्री का रूट और आंसर वन। ठीक है, और इसके बाद हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि यदि आंसर डॉट साइज अगर नॉट इक्वल्स टू है किसके, आंसर वन डॉट साइज के ना, उस केस में आप क्या रिटर्न करो। जब साइज इक्वल नहीं है तो कंपेयर क्या करना भाई, अब आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, एल्स क्या करो, एल्स में आप इटरेट कर लो फॉर इंट आई असाइन जीरो आई शुड बी लेस देन आंसर डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल इंटीजर को कंपेयर कर लेंगे कि यदि आंसर ऑफ आई अगर कभी भी नॉट इक्वल्स टू आंसर ऑफ आंसर वन ऑफ आई ना, अगर ऐसा है तब उस केस में आप रिटर्न कर दो फॉल्स, और एल्स रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है ना, इतना सा ही टास्क हमको करना था। अब हम करने जा रहे हैं इस फंक्शन को डिफाइन, जो कि है हमारा सॉल्व नाम का फंक्शन। तो इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न हमको करेगा। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट ये रिसीव कर रहा है, पहला तो हमारे ट्री के रूट नोड का एड्रेस। ठीक है, रूट, और दूसरा हम क्या रिसीव कर रहा है, ये वेक्टर, तो वेक्टर ऑफ इंट एड्रेस ऑफ आंसर। अब हम इस सॉल्व नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन, तो बेस ये हमारा बेस केस है, अगर रूट नल है ना भाई तब आप रिटर्न हो जाओ, तब आप कुछ मत करो। ठीक है, तब माथा पच्ची करना ही नहीं है, और एल्स सॉल्व फंक्शन को कॉल करो किसके लिए, रूट के लेफ्ट सबट्री के लिए। ठीक है, और इसके बाद आप आंसर डॉट पुशबैक, ये हम कब करेंगे जब हमारा लीफ नोड होगा तब। तो एक कंडीशन हमको ऐड करना है यहाँ। ठीक है, रूट का वेल, फिर से सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लो रूट के राइट सबट्री के लिए और आंसर पास कर दो। ठीक है, हम आंसर में पुशबैक कब करेंगे, जब वो हमारा लीफ नोड होगा। तो लीफ नोड को का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका लेफ्ट सबट्री, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं होगा और उसका राइट चाइल्ड भी नहीं होगा। तो यदि रूट का लेफ्ट भी नल है एंड रूट का राइट भी नल है ना, तभी सर ये आप काम करो। ठीक है, और एल्स कुछ मत करो। ठीक है, हो गया हमारा कोड कंप्लीट, कंपाइल करते हैं इस कोड को।
ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल भी एक्सेप्टेड है, पहला टेस्ट केस भी एक्सेप्टेड है, दूसरा भी टेस्ट केस भी अच्छे से वर्क कर रहा है। सबमिट करते हैं इस कोड को, ठीक है। क्लाउड पे जाके अभी रन होगा, इट कुड बी एनी सर्वर, AWS हो कि Azure हो, ठीक है। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आपसे रियल वर्ल्ड के रियल टाइम आपसे इंटरव्यू में भी पूछे ना, आप इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर लिए हैं ना, आप बिना वेक्टर लेके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आया। ये अप्रोच में हम ज़्यादा कुछ किए नहीं, हम दोनों ट्री का जो भी लीफ नोड है ना उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लिया और बेसिकली इंडिविजुअली इंटीजर को कंपेयर कर करके अगर कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है तो इन डैट केस हम कह देंगे क्योंकि ये हमारा लीफ सिमिलर ट्री नहीं है। क्योंकि ये कहा है क्या कि इसका जो जिस एलिमेंट जिस सीक्वेंस में आ रहा है ना वो भी मेंटेन करना आपको नेसेसरी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।